आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि डायपर मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आइए समझते हैं। जहां तक डायपर मोमेंट की बात है, डायपर मोमेंट का कंसेप्ट वहां पर अप्लाई होगा जहां दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम प्रेजेंट हैं, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस, जिसे आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं या इसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस चार्ज रहेगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस चार्ज रहेगा। इस तरह की सिचुएशन यहां पे बनती है। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला है क्यू इंटू डी। तो डेफिनेशन बनती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और किसी एक पर चार्ज, इसे डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। तो यहां से आप डायपोल मोमेंट का कॉज याद रखें, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कॉज ऑफ डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए HCl और HBr कहां डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आपसे पूछा गया H2O H2S, यहां बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट यहां पे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप शुरुआती क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इतना हम कह सकते हैं। फर्दर, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सीख लीजिए। अब कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो आप देखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। क्लोरीन यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इसे इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां एरो का हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही हम देख पाएंगे मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायरेक्शन ये हो जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसे हम बॉन्ड मोमेंट कहेंगे, बॉन्ड मोमेंट कहेंगे और ओवरऑल इफेक्ट को डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। CO2 के अंदर एक बात और समझ लीजिए, इसको ये कैंसल कर रहा है, यानी रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वेक्टर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप मैथ्स में ही पढ़ते हैं, तो आप समझ पाएंगे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन ये इस तरह से अरेंज है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। और अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल फिर भी नॉन पोलर हो सकता है, बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ऐसे ही एक और एग्जांपल BF3 का लीजिएगा, ये है BF3। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ये होगी। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ये होगी और इसी तरह से डायरेक्शन ये होगी। अब वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा जो इसे कैंसिल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा जो इसे कैंसिल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। अगेन मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि यहां डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ऐसा यहां पे देखा गया है। तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पे आने वाली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है ट्रिक की। अब ध्यान रखिएगा, जो भी रेगुलर ज्योमेट्री है, जो भी रेगुलर ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कॉम्पिटेटिव में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप रेगुलर ज्योमेट्री पे ध्यान देंगे। जो भी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, जहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो। मेरी बताई गई बातों को नोट कर लीजिएगा ध्यान से, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम से सेम एटम अटैच हो,
सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम पे सेम एटम अटैच हो, तो इसे हम रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और रीजन द रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ऐसे ही ये देखिए क्या ये रेगुलर है या नहीं है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम से सिमिलर एटम अटैच हैं, तो ये कैसी ज्योमेट्री होगी? रेगुलर। और डायपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो। C6H6 सेंट्रल एटम से सिमिलर एटम अटैच हैं, लोन पेयर नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर। यहां पर एडिशनल में आपसे यही कहूंगा कि पैरा आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, इनकी शेप ऐसी होती है कि ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और इस वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पैरा आइसोमर है, सिमिलर एटम है, या ट्रांस आइसोमर है, तो इनका भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो, बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इतना हम यहां पे कह सकते हैं। इस तरह से डायपोल मोमेंट के बेसिस पे ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। हमारे पास डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। अब ध्यान रखिएगा, चार्जेस ऑफ द ऑर्डर 10^-10 ESU, चार्ज इस ऑर्डर का होता है, यानी 4.8 × 10^-10, और डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर 10^-8 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जिस रेंज का होता है वो होती है 10^-18 ESU सेंटीमीटर। और इस क्वांटिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे वन डिबाई कहा जाता है। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी डिबाई या ESU सेंटीमीटर, एंड वन डिबाई इज इक्वल टू 10^-18, इस तरह से इसको जानना है। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप इस बात का यहां पर खास तौर पे ध्यान रखेंगे। नाउ अब इसकी एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में जानना है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू आयोनिक इंटू 100, इससे आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, उसको बताएंगे। नाउ म्यू ऑब्जर्व्ड ये आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा, ये दिया जाएगा, और म्यू आयनिक इस फार्मूले से आपको यहां पर निकालना है, वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान रखिएगा कि आपको म्यू ऑब्जर्व दो यूनिट में दिया जा सकता है, कूलम्स मीटर के अंदर दिया जा सकता है, या ये आपको ESU सेंटीमीटर या डिबाई के अंदर दिया जा सकता है। अगर आपको म्यू ऑब्जर्व कूलम्स मीटर में दिया है तो आप चार्ज की वैल्यू लेंगे 1.609 × 10^-19 कूलम्स, और डिस्टेंस आप लेंगे मीटर्स के अंदर अगर आपको ये म्यू ऑब्जर्व इन यूनिट में दिया गया है। लेकिन अगर आपको म्यू ऑब्जर्व गिवन है ESU सेंटीमीटर के अंदर या डिवाई के अंदर, तो क्यू की वैल्यू आप लेंगे 4.8 × 10^-10 ESU, और डिस्टेंस को आप लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। इन दो बातों का खास तौर पे यहां पर ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है AB, और इसका ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट 16.5 कूलम्स मीटर आपको दिया गया है। यहां पर बॉन्ड लेंथ है आपके पास 1 angstrom, आपको बताना है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर क्या होगा। म्यू ऑब्जर्व गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए म्यू ऑब्जर्व 16.5 ये हमने लिख दिया। अब म्यू आयोनिक आपको निकालना है, म्यू आयोनिक हम साइड में यहां निकालेंगे क्यू इंटू डी। नाउ क्योंकि ये कूलम्स में है तो चार्ज की वैल्यू लेंगे आप 1.60 × 10^-19, और डिस्टेंस लेना है मीटर के अंदर। 1 angstrom है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^10। इस तरह से ये आपका म्यू आयनिक, यहां वैल्यू पुट करेंगे 10^-19, 10^-10 इंटू 100, और इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास जवाब आएगा और हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर यहां पे बता पाएंगे। तो ऐसे बच्चों डायपोल मोमेंट का एंटायर टॉपिक रहा, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन रही, यूनिट रही, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट जीरो होता है ये आपको बताया, और म्यू आयनिक यानी परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर आपको बताना है तो
तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बताया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शॉर्ट नोट साथ बना रहे होंगे और कॉम्पिटेटिव की तैयारी में धूम धड़ाके से आप लगे हुए होंगे और डेफिनेटली अगर सही डेडिकेशन से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।